हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईशेली लर्निंग इंस्टीट्यूट। ईशेली मींस एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश एंड यू कैन लर्न इंग्लिश। तो साथ आपका आज की इस नई वीडियो में फोबिया की, ये फोबिया इसका पार्ट टू है इस रिलेटेड, और आपने पार्ट एक को बहुत सारा प्यार दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका इसलिए मैं पार्ट टू लेकर आया हूँ, तो आई होप ये भी आपको पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को, क्लास को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ शेयर करें, इसको लास्ट में शेयर जरूर करें ताकि यह वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंच सके। और वीडियो को इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक जरूर देखें, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें तभी बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? एपीरोफोबिया। एपीरोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ इन्फिनिटी मीन्स अनंत का डर, कि कहीं अनंत ना हो जाए। तो जिसको ये डर होता है उसको क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को? एपीरोफोबिया है। एपीफोबिया। एपीफोबिया मीन्स फियर ऑफ बीज मीन्स मधुमक्खियों का डर। जो शहद देती हैं, हनी देती हैं जो मधुमक्खी, उनको क्या बोलते हैं? एपीफोबिया, जिसको ये डर होता है। खासकर मुझे लगता है डर इसका, तो मुझे बोल सकते हैं एपीफोबिया। यस, मुझे जरूर लगता है, भली मैं गांव से हूँ बट डरता हूँ। नेक्स्ट इज दैट अरेक्यानोफोबिया। अरेक्यानोफोबिया मीन्स होता फियर ऑफ स्पाइडर्स मीन्स मकड़ियों का डर। जिसको मकड़ियों का डर हो, फियर ऑफ स्पाइडर हो, उसको क्या बोलेंगे? अरेक्यानोफोबिया। यस, इसको अरेक्यानोफोबिया बोलेंगे। नेक्स्ट इज डेट एस्थिनोफोबिया। एस्थिनोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ वीकनेस मीन्स कमजोरी। जिसको कमजोरी फील होने लगती है, उसको डर लगने लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको कौन सा फोबिया है? एस्थिनोफोबिया हो गया है। यस, लगता है ना कि ऐसा कुछ तो हो गया। ऐसी क्या है? एस्ट्रोपोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ लाइटिंग मीन्स रोशनी का डर। जिसको क्या हो? रोशनी का डर हो, ज्यादा लाइटिंग हो, जेले से ज्यादा डर लगता है लाइटिंग से। तो जिस व्यक्ति को फियर ऑफ लाइटिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या है? एस्ट्रोफोबिया है। एस्ट्रोफोबिया ऐसे ही एक ही वर्ड में बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं एटेलोफोबिया। एटेलोफोबिया मीन्स फियर ऑफ इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मीन्स अपूर्णता का डर। जो काम हमारा क्या ना हो, पूर्ण ना हो सके। अपूर्णता मतलब इम्परफेक्शन, जो पूर्ण ना हो सके, अपूर्ण ही रह जाए, तो उसको डर हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि एटिलोफोबिया है इसको। यस, नेक्स्ट डेट ऑटोफोबिया हम बोल सकते हैं। इमिनेटोफोबिया इसको बोलते हैं। ऑटोफोबिया या फिर इर्मिटोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ लोनलीनेस मीन्स अकेलापन का डर। बहुत से लोगों को अकेलापन का डर होता है कि हम अकेले हैं तो हमें क्या लग रहा है, कौन सा फोबिया है? ऑटोफोबिया है। यस, ऐसे नेक्स्ट है क्या? बैसिलोफोबिया या फिर हम बोलते हैं माइक्रोबायोफोबिया। बैसिलोफोबिया या फिर माइक्रोबायोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ माइक्रोब्स। फियर ऑफ माइक्रोब्स मीन्स होता है रोगाणुओं का डर। जो रोगाणु होते हैं ना, बीमारियां होती रोगाणुओं से, इसको जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं? बैसिलोफोबिया। यदि आपने पिक्चर देखी साउथ की एलोरिजिन की डीजे की, एक स्कैन है उसमें, एक स्कैन में होता है उसको फियर, इसको बैसिलोफोबिया रहता है। अगर आपने देखा होगा तो याद होगा, बोलते छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, उसका फोबिया रहता है एक प्रकार से, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही है बैक्टीरियोफोबिया, ये भी इसी से रिलेटेड है। बैक्टीरियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स होता है जो बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे से बीमारियों के, तो इसके भी इससे सेम रोगाणु और बैक्टीरिया दोनों से बीमारियाँ होती हैं, तो बैक्टीरिया होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफोबिया। नेक्स्ट इज डेट बाथोफोबिया मीन्स होता फियर ऑफ डेप्थ। डेप्थ मतलब डेथ मत समझना, मरने वाला नहीं, गहराई। जिसको गहराई से डर लगता है, नीचे जाने में गहराई से डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं? बाथोफोबिया। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और ये आज हमारी सेकेंड पार्ट था फोबिया का, और फर्स्ट पार्ट में आप सभी ने हम लोग को बहुत प्यार दिया बहुत सारा, तो उसके लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आगे प्यार देते रहना। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।